महादेव, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज गणेश चतुर्थी है, हमारे घर पे भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति आती है और पूरा विधि विधान से हम ब्राह्मण देवता को बुला के इसका पूजन पाठ करते हैं। तो हमारे घर पे ब्राह्मण देवता का आगमन हो चुका है और चलते हैं अंदर की तैयारियां हम देखते हैं। सारी चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पूरा विधिवत जो हमारे ब्राह्मण देवता है ना, पूरी विधिवत पूजा अर्चन कराते हैं। तो आप लोग का प्रश्न भी आता है कि क्या हम गणेश चतुर्थी कभी मना सकते हैं? तो बिल्कुल आप मना सकते हो, मनाना भी चाहिए। चलिए अंदर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अरे यार, अकेली अकेली आ रही है। संगीता जी देखो आ गई है। संगीता ये मेरा वही ड्रेस है ना, कहाँ से लाई तूने? ये मुझको पसंद है, लेना ये ड्रेस। हाँ ले लेना, ठीक है। संगीता भी आ गई। आज अभी पूजन है ना, तो सारे परिवार वाले हमारे इकट्ठा हो रहे हैं। क्या पहनी है संगीता का मम्मी? क्या ड्रेस अच्छा मम्मी लग रहा क्या पहनी है? नटी वही लागे है मम्मी, बहुत सुंदर लग रहा है इसका ड्रेस। तो सभी लोग का सभी लोग वैसे परिवार के सभी जो सुनीता। सदस्य हैं, सभी लोग आ चुके हैं। तबीयत कैसी बेटा? आप शरीर देख के देखा, पहले पहले कितना मोट रहा, लेकिन अब कितना हाँ ठीक है। शरीर अभी ना समझ में आई। पहले बहुत ज्यादा मोट हो गई, लेकिन बाबा के तो शरीर भी अच्छा और एकदम स्वस्थ। हाथ पकड़ लो पापा का। मोरिया प्रिया रे बप्पा बताए बताए। असरा हमारे आते, असरा की मम्मी लेके जाते भी, साथ में रहते हैं गणपति तक। थोड़ा सा गणेश देवा माता जाके पार्वती, देवा माता जाके पार्वती, देवा दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारे, दीनन के लाज रखो। एक एक बदलते रहो, एक एक बदलते रहो। मना को पूरा करो जाऊं बलिहारे, कामना को पूरा करो हारे। जय गणेश जय गणेश, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पापान चढ़े फूल चढ़े। वाह हम तो तेरे शरण आए, सफल करो सेवा, हम तो तेरे शरण आए। वाह जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती देवा, माता जाके पार्वती देवा, माता जाके पार्वती। निरांजनम कर्पूरम प्रज्वाल्य नायक के सुर मुनि पूजित गण नायक की सुर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूजा संपन्न हो चुका है, आरती पूजन पाठ सब हो चुका है। अब सब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहन जो है प्रसाद बना रही है। महाराज जी भी आए, अच्छे से पूजा पाठ हमारा हो गया, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। तो अब जो है सब प्रसाद खा रहे हैं। खाने के बाद फिर थोड़ा सा लोग आराम करेंगे, फिर वापस शाम की तैयारी हम शुरू कर देंगे। ये ज्योति कैसा लग रहा है शादी करके? अच्छा लग रहा है ज्योति? ऐसी लड़की को शादी करके अच्छा लग रहा है? अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। अच्छा है लेकिन वो वाली आजादी नहीं होगी जो आजादी चाहिए थी। सेम ही है, सही है, कुछ बदला नहीं? नहीं बदला, मेरा तो नहीं बदला, नहीं बदला, यहीं पे हो ना। चलो ना, शादी के बाद से जिम्मेदारियां बहुत सारी आ जाती है ना लोगों पे, साफ सफाई हो जाए। मुझसे पूछो मैं बताऊं।
क्या हुआ मेरी बहन को? मेरा चेहरा देख क्या समझ पा रहे हो? जिम्मेदारी है मेरी बहन में आ गई। क्या पापा का ध्यान सिर्फ खाने पे? अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, संदीप अपने दोस्तों का खातिरदारी कर रहा है। न कोई बात नहीं, जो सच्चाई है बताओ। तो संदीप तू किसके बारे में बता रहा था? हाँ बेटा, किसके बारे में बता रहा था? आप नहीं, लेकिन किस चीज में? ट्रेनिंग में 15,000 फीट ऊपर। अच्छा, कहाँ पे, मतलब कौन से पहाड़ पे? उत्तराखंड में तपोवन, तपोवन ट्रेक। अच्छा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। दो भाई इंट्रोडक्शन। हाँ भाई, खा लेने दो उनको। दीदी ठीक है, तो ये आप देख सकते हो संदीप के सारे फ्रेंड लोग आए हैं और उसमें से एक फ्रेंड है, नाम क्या आपका? राणा सिंह। राणा सिंह जी है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, किस चीज में किया है और हम इन्हीं से जानेंगे। ठीक है, राणा सिंह। और कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। प्रॉपर बिहार से। बिहार से। उमर गाँव में JDC। हाँ जी, मतलब कब से यहाँ पे? 2007। हम तो पुराने हैं। तो अभी मतलब कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो ये PG में पढ़ाई किया था लास्ट टाइम मैंने। साथ में, मतलब साथ में क्लास में? क्लास में नहीं हुए, बड़ा है, बड़ा है पहले। अच्छा, हाइट में क्या? कॉमर्स था कि साइंस? हाइट कॉमर्स। कॉमर्स साथ में दोस्त हो गए हो? दोस्त क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। साथ में करते? अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है संदीप आर्मी के लिए बहुत ट्राई किया है, हाइट के वजह से बेचारा मार खा गया, बटला हो गया। क्या इनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, तो ज्यादातर वैसे ही लोग हैं। ठीक है, तो उसमें से सब लोग ने कुछ ना कुछ कर लिया है, लेकिन मेरा भाई बेचारा हाइट की वजह से कुछ किया ही नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ इनको अलग कुछ करना हो तो वैसा कुछ है। तो आप रहते हो उमर गांव में? yes. और वो वैसे आप बिहार के, तो भाई लोग तो वैसे कितनी सफलता प्राप्त करते हैं? मैंने फास्टेस्ट मतलब ट्रेकिंग में सबसे फास्ट ट्रेकिंग करने में उस चोटी पे चढ़ने वाला पहला लड़का हूँ मैं। अच्छा। इसमें 12 कंट्री के लोग आए थे, हिस्सा लिए थे। अच्छा। इसमें से भारत का झंडा मैंने लड़ाया था और मैं हूँ। कब की बात है ये? 15 मई की बात है। 15 मई 2024। यही यही जो हम लोग दरबार में थे उस समय में आई थी दरबार, मैं बोले दीदी एक अपने उम्र का कोई लड़का है, फिर ये इसका शर्ट देखी तो मैं बोले रही थी दीदी ये अपने उम्र गाँव का है, तो ये बोलता है मेरा दोस्त ही हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हो, 12 कंट्री के लोग आए थे, उसमें से आपने मतलब सबसे पहले वहाँ का ट्रेकिंग का टाइम था 11 घंटे 38 मिनट, जो आज तक 5 साल से कोई तोड़ नहीं पाया था, किसी देश का आदमी तोड़ पाया था उसको, मैंने सिर्फ 7 घंटा ट्रीटमेंट किया था। इसलिए कुछ और रिस्क भी लेना पड़ा, थोड़ा मेहनत था। प्रैक्टिस आप कब से मतलब कर रहे हैं? बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं, लगभग 2017-18 से। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि 12 कंट्री के लोग और उसमें आप इंडिया का झंडा आपने लहराया। आप बताओ कैसा फील होता है आपको ये सब करके? कभी सोचा था कि आपने इतने कभी कर पाऊंगा? सोचा था लेकिन कंफर्म नहीं था कर पाऊंगा। आपने सोचा नहीं था लेकिन ये हो गया, आपको कैसा लगता है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी दूसरा टारगेट और रखा है मैंने 20,000 फीट का, आके 20,000 फीट का टारगेट है, 20,000 का टारगेट है, जिसमें 15,000 किया मैंने, अगले बार 20,000 फीट। कौन से पहाड़ के मतलब कौन से पर्वत होते हैं ना? उत्तराखंड के अंदर एक गौमुख चोटी है। हाँ, नाम सुना है गौमुख, जहाँ से गौमुख निकली। हाँ हाँ, गंगोत्री वहाँ से थे, उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे। हाँ 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 हाँ, अरे वाह, वहाँ पे गए और कितनी बड़ी बात है हमारे भारत के लिए भी ना। और मुझे पता है ज्यादा खुशी क्यों हो रही है कि हम लोग तो देखते हैं कि किस मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, सुनते हैं प्रचार ऐड सब आता है, लेकिन वैसा कोई बंदे से आपको जब मुलाकात हो और इतनी नजदीक से और भी इतनी नजदीक से ऐसे बंदे से हम मुलाकात करते हो, आप उनका अनुभव जानते हो,
तो कितना प्राउड फील होता है कि देखो हम देख रहे हैं, हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये हम सभी लोगों के लिए। हम प्रैक्टिस चल रहा है, मैं ऑलरेडी डिफेंस में था, इसको छोड़ दिया मैंने इसके लिए। ट्रैकिंग के लिए मेरा सपना ये ट्रैकिंग ज्यादा है। आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट? जॉब तो गवर्नमेंट खुद देती है सामने से। तो अभी आप आर्मी में थे, आर्मी में लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से लगाया था दो तीन में से नहीं। और अग्निवीर था, मैं परमानेंट था। अग्निवीर वाले संजीव को बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मतलब ऐसा ग्रुप होता है क्या? चार साल का था, चार साल की नौकरी है, चार साल के बाद रखेंगे तो। मेरा बुढ़े तक था, बुढ़ा हुआ तब तक साल तो कंपटीशन ज्यादा है थोड़ा इसमें। उसका कुछ अलग कैटेगरी रहता होगा ना। हां एक कंपटीशन है, मेरे निकाल कर के मैंने फाइनल कैटेगरी छोड़ दिया था। सत्या तो है ना, आर्टिलरी में ऑफिसर है। तो कितने बच्चे अभी उमर गांव से मतलब बहुत सारे निकल चुके हैं, लगभग 7-8 लड़के निकल गए हमारे ग्रुप से। अच्छा, हमारे ग्रुप में से 7-8 निकल चुके हैं। सत्या था, वो मेरे क्लासमेट था स्कूल से, कॉलेज में। अच्छा, एक अपने मांसू का बड़ी बात है ऐसे बंदे को मिलना, मतलब जिसने हमें तो ऐसा लगता है ना, हम मतलब हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो लोग दिल्ली के मिलते हैं, होता है बस अपना दोस्त यार भाई चलो कुछ भी करो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी हमारी फ्रेंड सर्कल होनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। हम जो सक भी आएंगे, जो सक आया है, जो सब आया है। अरे वाह, जोश कब पे आया, मुझे लिंक भेजना, वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ये तो ब्लॉग बनाई, ब्लॉग के अंदर बहुत चीजें आती है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मतलब अच्छा लग रहा है, आप लोग भी जानोगे ऐसे बंदे को, आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लोगे, और वो हमारे घर पे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारे जो ना आए थे छोटे भाई लोग, अब लोग जा रहे हैं। सब लोग प्रणाम करके जाओ और अपने लिए अच्छा अच्छा मांग लो बाबा से। ये बात तो सही है, बाबा जो देंगे सही देंगे। ये संगीता ये जो भोग हो गए ना, हटा दो थोड़ा बीच में से, सब फूटने के बाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पास ना।